स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। कोरोना की बात करेंगे कि कोरोना का खौफ कहीं ना कहीं लोगों में अब हट सा गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग कोरोना प्रोटोकॉल और इससे जुड़ी सावधानियों को लेकर लापरवाह दिखाई देते हैं। आज से एक हफ्ते के लिए नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े, जबकि पूर्ण लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने पर मनाही। इसे बेफिक्री कहें या लापरवाही, नागपुर के इस नज़ारे को देखते हुए आप खुद ही तय कीजिए। ऑरेंज सिटी के नाम से मशहूर नागपुर में आज से हफ्ते भर का संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इन तस्वीरों में ढूंढिए लॉकडाउन कहाँ है। लोग हमेशा की तरह सुबह की सैर पर निकले हैं। लोगों के चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन दो गज की सुरक्षित दूरी नजर नहीं आ रही। दिक्कत ये है, जो लोग लॉकडाउन के बावजूद इस तरह बाहर निकल रहे हैं, उन्हें अपनी गलती का अंदाजा नहीं। मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं है। जो मॉर्निंग वॉक वाला जो है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने वाला जो कोरोना के लिए चाहिए, वो तो जरूरी है ना। तो इसकी वजह से भीड़ भाड़ तो नहीं दिख रहा है ना। भीड़ भाड़ कहाँ है यहाँ, मतलब अलग अलग डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस तो है ही, मास्क है ही, और साथ में प्रिकॉशन जो लेना है वो प्रिकॉशन ले ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि लॉकडाउन मतलब लोग मान नहीं रहे। लेकिन नागपुर में हर जगह ऐसा नहीं। पुलिस कमिश्नरेट इलाके की इस तस्वीर को देखिए, रास्तों पर तकरीबन सन्नाटा पसरा है। कुछ गाड़ियां चलती जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन कमोबेश लॉकडाउन जैसा ही नजारा। नागपुर में कोरोना के लगातार बढ़ते केसों को देखते हुए 11 मार्च को नागपुर के प्रभारी मंत्री नितिन राउत ने लॉकडाउन का ऐलान किया था। नागपुर शहर में बढ़ती हुई तेजी से कोरोना बाधितों की संख्या देखते हुए 15 मार्च से 21 मार्च तक के शहर में पूर्णतः लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है। यह लॉकडाउन पुलिस आयुक्तालय का जो सीमा है, उस सीमा के भीतर रहेगा। जरा नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों पर गौर कीजिए। 10 मार्च को नागपुर में कोरोना के 1710 नए केस आए। 11 मार्च को 9 केस की मामूली गिरावट आई, लेकिन 12 मार्च को ये बढ़कर 1729 पर आ गया। 13 मार्च को नागपुर में कोरोना के मामले और बढ़े और ये 1824 तक पहुंच गया। कल फिर इसमें इजाफा हुआ। कल नागपुर में कोरोना के 1976 नए मरीज सामने आए। जाहिर है कोरोना के मामलों को बढ़ता देख लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। बढ़ता हुआ संक्रमण है, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के स्ट्रिंजेंट नियम जरूरी थे और इसकी लोगों के द्वारा पालन की जाए। अगर उल्लंघन हुआ तो पुलिस यंत्रणा के द्वारा बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन से पहले जब कोरोना के केस में लगातार इजाफा हो रहा था, तब की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिरकार कोरोना की रफ्तार क्यों बेकाबू होने लगी। ये तीनों तस्वीरें 2 दिन के भीतर की है। बेशक तब लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन कोरोना केस के लगातार बढ़ने की वजह से लोगों से बेवजह बाहर न निकलने की अपील की गई थी। इन तस्वीरों में देखिए, एहतियात की अपील के बावजूद लोग बाजारों और सड़कों पर भीड़ लगाने से बाज नहीं आए और नतीजा लॉकडाउन के रूप में सामने आया है। लॉकडाउन के दौरान निजी और सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों के साथ चल सकेंगे। शराब की दुकान, होटल, बाजार और निजी दुकानें पूरी तरह से बंद होंगी। लोगों के बेवजह बाहर निकलने पर भी पाबंदी है। तस्वीरें देखिए, किस तरह पुलिस जगह जगह बैरिकेड लगाकर लगातार बाहर निकले लोगों से पूछताछ कर रही है। जवाब से संतुष्ट होने पर ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। फिलहाल ये लॉकडाउन एक हफ्ते है, लेकिन लोगों की लापरवाही से कोरोना बढ़ा तो ये मुसीबत लंबी खिंच सकती है। नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। लोगों की लापरवाही से दरअसल सरकार भी चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने लोगों से सारे एहतियात बरतने की अपील की है। अश्विनी चौबे ने कहा कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि लोग सावधानी बरतना भूल जाएं। कुछ राज्यों में जो ऐसे बड़े हैं, वो हमारे लिए निश्चित रूप से एक चुनौती भी है और उन राज्यों की सरकार उसमें काफ़ी पहल कर रही है, लेकिन वहाँ की जनता को और तमाम देश के नागरिकों को यह समझना चाहिए कि हम सावधानी कभी ना भूलें, सावधानी बरतें और लापरवाही ना बरतें।
और आपने देखा कि अब वो लोगों को लगता है वैक्सीन चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। आप जानते हैं जब तक 70-80% लोगों को वैक्सीन 70% कम से कम नहीं लग जाएगा तो फिर ये मार्च में जिस प्रकार की बातें होती है वो होता रहेगा। इसलिए हम लोगों ने भी कहा है, जागरूकता भी है, रोज़ खबर भी मोबाइल से हो रहा है कि दवाई के साथ ढिलाई नहीं, ढिलाई न बरते। और इसलिए उसमें दवाई भी वैक्सीन भी लग रहा है, वैक्सीन बड़े पैमाने पर लगवाएं और साथ साथ अपना मास्क लगाएं, हाथ परस्पर धोएं, साथ साथ आप अपना हाथ को धोते रहें बराबर निरंतर, और सामाजिक दूरी भी बना करके रखना चाहिए। नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर हैं जहां पर स्थिति अभी काफी खराब है। कहीं आंशिक लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू। मुंबई, पुणे, अकोला, नासिक, औरंगाबाद, इन तमाम जगहों में कोरोना फिर से सक्रिय है। महाराष्ट्र में कल 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। बावजूद इसके आज दादर मार्केट से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली। मुंबई के दादर मार्केट की तस्वीर हैरान करने वाली है। रेलम्पेल मचा है, दो गज की दूरी तो छोड़िए, सामान्य दूरी भी नजर नहीं आ रही। लोग एक दूसरे से चिपक कर चल रहे हैं। ऐसे वक्त में जब मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, दादर बाजार में लोगों की लापरवाही चिंता में डालने वाली है। मुंबई के कई इलाकों से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है जहां लोग कोविड के सामान्य प्रोटोकॉल की भी परवाह नहीं कर रहे। कुछ दिनों से मुंबई में रोजाना कोविड के 1,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। मुंबई में कल कोविड के 1,962 नए मामले सामने आए, जबकि 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। 13 मार्च को 1,708 नए केस सामने आए और 5 लोगों की मौत हुई। 12 मार्च को 1,646 नए केस सामने आए और 4 लोगों की मौत हो गई। 11 मार्च को 1,508 मामले सामने आए और 4 की मौत हुई। ऐसे में मुंबई में लोगों की लापरवाही खतरनाक है। लापरवाही का ये आलम तब है जब महाराष्ट्र के कई शहरों में आंशिक और पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। जरा औरंगाबाद की इस तस्वीर को देखिए। दिन के दिन कोरोना बीमारी बढ़ते जा रही है औरंगाबाद सिटी में। आप बाहर मत निकलो, ज्यादा से ज्यादा आपका मेडिकल ये होगा तो जा पाओ, मेडिकल के नाम पे बाहर मत घूमो, बहाना बना के मत बाहर निकलो, इम्पोर्टेंट होगा तो बाहर आओ भैया। ये महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद की तस्वीर है। यहाँ 11 मार्च से 4 अप्रैल तक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। औरंगाबाद की तरह अकोला में 12 मार्च रात 8 बजे से आज सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहा। इससे पहले यहां 15 दिन का लॉकडाउन था। इसी तरह पुणे में कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 31 मार्च तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। यहां स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जरा महाराष्ट्र के अलग अलग शहर में लगी पाबंदियों पर गौर कीजिए। नागपुर 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन। पुणे 31 मार्च तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू। औरंगाबाद 4 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन। लातूर 31 मार्च से रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। ठाणे 16 हॉटस्पॉट इलाकों में 31 मार्च तक लॉकडाउन। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां लोग कोरोना से लगभग बेफिक्र हो चुके हैं। महाराष्ट्र में तमाम पाबंदियां जारी हैं, बावजूद इसके कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना के कल 16,620 नए केस सामने आए। अगर अलग अलग शहरों की बात करें तो मुंबई में कल 1,962 नए केस सामने आए, पुणे में 1,740, नासिक में 1,356 और औरंगाबाद में 1,023 नए केस सामने आए। मुंबई, ठाणे, नागपुर, पुणे, अकोला, अमरावती, जलगांव, औरंगाबाद, ये राज्य के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरीके से राज्य में और खास करके मुंबई, पुणे, नागपुर में केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए अब सबकी निगाहें राज्य सरकार पर ही लगी हैं कि वह आखिर क्या कदम उठाएगा जिससे इन बढ़ते हुए केसेस पर अंकुश लगाया जा सके। क्या लॉकडाउन एक विकल्प रहेगा, ये देखने वाली बात बनी रहेगी। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक।
तो कोरोना को लेकर लापरवाही दिल्ली में भी कम नहीं देखी जा रही है। बेशक दिल्ली में मामले काफी कम है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से रोजाना 400 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। इसने दिल्ली सरकार को सतर्क कर दिया है। राजधानी दिल्ली है, कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं, लेकिन राजधानी की रफ्तार सामान्य है। कोरोना वायरस भले ही शहर में मौजूद है, लेकिन लोगों के मन में खौफ का वायरस मिट चुका है। दिल्ली में होली का त्योहार नजदीक है और जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार और एजेंसियां इन तमाम नियमों का पालन करवाने के लिए क्या सख्त कदम उठाती हैं। लोगों की लापरवाही का आलम यह है कि मास्क भी अब भारी लगने लगा है। आपको कोरोना से डर नहीं लगता है? सर मास्क गिर गया मेरा, तो आप मास्क ले लीजिए। अब ये वही तो कह रहा हूँ, दुकान देखने नहीं लेऊंगा सर। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? कोरोना से डर तो है ही। तो फिर मास्क जो है वो नाक के ऊपर क्यों नहीं लगा रहे हैं आप? लगाए थोड़ा दम घुटने लगता है, इसके चलते थोड़ा कम कर लेते हैं। मास्क क्यों नहीं पहनते? पहन रखा है, आवाज लगाने के लिए होता है। अच्छा, तो अभी तो नाक के नीचे है, कोरोना तो नाक से भी हो सकता है, तो आपको लगता है कि ये गलती है? हाँ गलती है। ये स्थिति तब है जब दिल्ली में लगातार चौथे दिन कोरोना के 400 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 407 नए केस सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या 2,262 हो चुकी है। 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से दो लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने लोगों को सजग रहने का फरमान जारी किया है। जो बीमारी है ये लौट लौट के आने वाली लग रही है, ख़त्म एकदम से होते हुए नज़र नहीं आ रही है, तो लोगों को सतर्क रहनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो एक साल के अंदर सीखा है वो सीखा है कि जब ये अगर मास्क लगा के रखें आप, तो सबसे ज़्यादा बचाव मास्क से है। बाकी सभी चीज़ें एक तरफ, मास्क एक तरफ है। तो जब भी पब्लिक में जाएं, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दिल्ली वालों सावधान हो जाओ। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।